हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉरपोरेशन पर। ट्यूबरोज कॉरपोरेशन एक एक्सपोर्ट चैनल है। इस चैनल में हम हमेशा एक्सपोर्ट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक ट्रेडर हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक बिजनेसमैन हो, आप हमेशा हमारा वीडियो देखिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम इंडिया। आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इजीली वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम बताएंगे। कौन से कंट्रीज, कितने सारे कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इंडिया से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंपोर्ट करते रहते हैं उसके बारे में बताएंगे। इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड में वेजिटेबल फ्रूट्स में, उसके बारे में बताएंगे। और कैसे आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट वेजिटेबल फ्रूट्स फ्रॉम इंडिया एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सब बात करेंगे भारत का रैंक के बारे में। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड नंबर पे है एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। भारत का नंबर है, दूसरा नंबर है एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल का। एक्सपोर्ट में भारत का नंबर सेकेंड नंबर पे है। इंडिया 188 मिलियन मेट्रिक टन फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता रहता है, और इंडिया का नंबर है सेकेंड है वर्ल्ड में, और चाइना नंबर वन है। अभी देखिए कि इंडिया से कौन से सारे कंट्रीज इंडिया से वेजिटेबल्स फ्रूट्स इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम इंडिया, आप देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कैनेडा, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, मलेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, किर्गिस्तान, उगांडा, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, अजरबैजान, इथियोपिया, उज्बेकिस्तान, मालवाई, बेलारूस, मेडागास्कर, बेनिन, साउथ सूडान, कैमरून, तंजानिया, केनिया, एरिथ्रिया, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, गुयाना, मोरक्को। सो आप देख लीजिए द लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपको दिखा दिया, कितने सारे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जो भारत से इम्पोर्ट करते रहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल। देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, और भारत का इंडिया का काफ़ी सारे क्लाइमेट्स है। नॉर्थ में आपको जाओगे तो आपको नॉर्थ में जैसे कश्मीर एरिया में आपको मिलेगा एप्पल वगैरह, जो एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, एप्पल ये ग्रो होता है। साउथ में आपको अगर जाओगे केरल तमिलनाडु के साइड में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, वहाँ का वेजिटेबल फ्रूट्स और काफ़ी सारे जो जैसा कि हो गया कि जैक फ्रूट्स हो गया, मैंगोज है, पाइन एप्पल वगैरह ग्रो होता है। ईस्टर्न इंडिया पार्ट में डिफरेंट क्लाइमेट है, वेस्टर्न इंडिया पार्ट में डिफरेंट क्लाइमेट है, मिडिल ऑफ इंडिया जो है वहाँ का डिफरेंट क्लाइमेट है। सो इंडिया एक ऐसे कंट्री है, हमारा देश है, भारत एक ऐसे कंट्री है, वर्ल्ड का सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, और हमारे कंट्री में काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो होता है, जो हम वर्ल्ड में अगर हम कोशिश करेंगे वर्ल्ड में हम नंबर वन बन जाएंगे, चाइना को हम आगे जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे जो रिमोट एरिया में, इंडिया का जो रिमोट एरिया में काफ़ी सारे स्टेट्स है जहाँ पर रोडवेज जो रोड्स बना नहीं है अभी तक, तो वहाँ का जो फार्मर्स है उनको प्रोडक्ट को लेके आने तक, शहर सिटी तक लेके आने के लिए मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इंडिया का प्रॉब्लम ये है, उनका जो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए काफ़ी सारे ये जो फार्मर्स का जो प्रोडक्ट होता है काफ़ी सारे इंडिया में क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट वहाँ स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाता है, वो पहुँचा नहीं पाते हैं मंडी तक, यानी जो मार्केट तक पहुँचा नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। चाइना का ये प्रॉब्लम नहीं है। चाइना का रेलवेज अच्छा है, उनका रोडवेज अच्छा है, उनका जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट अच्छा है, इसीलिए चाइना आगे है। अगर भारत में हमारा जो रोडवेज, हमारा जो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो भारत इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगी वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सपोर्ट में। तब हम बात करेंगे कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता रहता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड विथ 188 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, आप देख सकते हैं। और फ्रूट्स वेजिटेबल 2019-20 में इंडिया
9182.88 करोड़ कमाया था, यानी 1277.38 USD मिलियन, यूनाइटेड स्टेट मिलियन USD, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर मिलियन में 1277 मिलियन वर्थ ऑफ वेजिटेबल इंडिया को मिला था। फ्रूट्स कितना एक्सपोर्ट किया था देख सकते हैं, 4,432.1 करोड़ में $668.75 मिलियन ये फ्रूट्स का है उत्पादन जो इंडिया को मिला था। और वेजिटेबल जो है 6.8648 मिलियन US डॉलर। सो ये आपको मैंने दिखा दिया जो कितना एक्सपोर्ट करते रहते हैं। इंडिया का जो मेन प्रोडक्शन है बनाना, पपैया, मैंगोज, ये मेन जो प्रोडक्शन है काफ़ी सारे एक्सपोर्ट होता रहता है इंडिया से। सो अभी हम बात करेंगे जो इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता रहता है इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। आपको उनका जो बता दिया US डॉलर में कितना मिलियन में वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है और कितना मिलियन में फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता रहता है। अभी हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे आपसे आप बात करेंगे कि आप अगर एक वेजिटेबल या फ्रूट्स एक्सपोर्टर हो इंडिया से तो आपको कुछ वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ इन हमेशा आप इन वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए। इन वेबसाइट को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, कुछ वेबसाइट्स जो है ये पोर्टल्स है, वेजिटेबल फ्रूट्स पोर्टल्स है, वर्ल्ड वाइड चलता है। तो हमेशा आप इस वेजिटेबल फ्रूट्स पोर्टल्स में हमेशा लॉगिन करके आप पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वर्ल्ड में कैसे कौन से सारे कंट्री कौन से कंट्रीज कहाँ पर एक्सपोर्ट करते रहते हैं, उनका पैकेजिंग सिस्टम कितना पैसा कितना वर्थ ऑफ मिलियन डॉलर में उन्होंने एक्सपोर्ट किया, कितने सारे कंपनीज कौन से कंपनीज वहाँ खरीदते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इन साइट में मिलेगा। तो आप देख लीजिए कुछ साइट का मैं दिखा रहा हूँ। तो नंबर वन है freshplaza.com है, fruitnet.com है, fruitportal.com है, आपको दिखा रहा हूँ कुछ साइट्स को आप देख लीजिए। तो इन साइट आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इन साइट का जितना आपको दिखा रहा हूँ इन साइट का जो डिटेल्स वेबसाइट का डिटेल्स पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, तो आप पूरी साइट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आप हमेशा इस साइट को पढ़िए, वन बाय वन जाके पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कहाँ पर कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, बायर कौन है, डिटेल्स आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और मेन इम्पोर्टेंट साइट है freshplaza.com, freshplaza.com में आप जाइए, आप हमेशा आपको freshplaza.com में आप देखिए, आप freshplaza.com में आपको वहाँ पर काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स का डिटेल्स भी मिल जाएंगे। और मैंने इस साइट का जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जितने सारे वर्ल्ड का इम्पोर्टर्स है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इम्पोर्ट करते रहते हैं इंडिया से या वर्ल्ड वाइड, उनका डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आप उन कंपनीज को आपका कंपनी का प्रोफाइल के साथ विजिटिंग कार्ड के साथ आपका प्रोफाइल उनको मेल करिए और आपको ऑर्डर 101% मिल जाएगी। तो हमेशा आपको मैं बता रहा हूँ कि इन साइट में आप जाइए, इन साइट में आपको पैकेजिंग डिटेल्स मिल जाएगी और आपको कौन से कंट्रीज कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी। हमेशा आप freshplaza.com पढ़िए और फ्रूट्स वेजिटेबल का जितने सारे साइट्स का आपको दिखा रहा हूँ आप पढ़िए और हमारा जितना लिस्ट में दे रहा हूँ कौन से कंपनीज इंपोर्टर्स ट्रेडर्स बायर्स होलसेलर्स वर्ल्ड वाइड, तो मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ आप कॉपी पेस्ट करके आपके पास रखिए और आप वन बाय वन कंपनी को रजिस्टर करके आप उनको कॉन्टैक्ट करिए थ्रू ईमेल और आपको 101% आपको ऑर्डर मिल जाएगी। देखिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट करते हो तो ज़्यादा करके जो सी कार्गो में जाता है, सी कार्गो के लिए आप cargoport.com देखिए यूज करिए सर्च करिए उस पर आपको प्राइस मिल जाएगी। और आपको एयर कार्गो में आप यूज कर सकते हैं एयर कार्गो, तो डिटेल्स उनका जो डिटेल्स मैं आपको एयर कार्गो का डिटेल्स और सी कार्गो का डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। तो इस अगर आप एक फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट एक्सपोर्टर हो इंडिया से आप हमारा जितने सारे
वीडियो आपको दिखा, जितने सारे वेबसाइट आपको दिखाया, इन साइट में जाकर रजिस्टर करके आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड करिए, और जितने सारे इम्पोर्टर्स ट्रेडर्स का लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके रजिस्टर करके उनको कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। और दूसरा है, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, और आपका जो वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट के बिना जो आप वेबसाइट बनाओगे, तो आप जैसा आपको बता दिया मैंने, जैसा ebay.com है, aliexpress.com है, या amazon.in है, ऐसा आप ई कॉमर्स टाइप का वेबसाइट बनाइए, ताकि आपका प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, आपका फोटो ऐड कर सकते हैं, आपका प्राइस ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे कि देखिए, आपका कोई इम्पोर्टर से कोई अर्जेंटीना में है, वो आपसे कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना चाहता है, आपसे एग्जाम्पल आपसे वो ऑरेंज इम्पोर्ट करना चाहते हैं भारत से, या अकरा या कोई भी वेजिटेबल इम्पोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका वेबसाइट इतना अच्छा नहीं है, आप एक फोटो डालोगे, फोटो एड करोगे, प्राइस डालोगे, तो उनको ये अच्छा नहीं दिखेगा, वो कॉन्फिडेंट, उनको डिटेल्स मालूम ही पड़ेगा। इसलिए आपका हमेशा आपका वेबसाइट को चेंज करिए, आपका वेबसाइट हमेशा बनाइए एज ए ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसा amazon.in ऐसा, ताकि आप मल्टीपल फोटोज 15-20 फोटोज ऐड कर सकते हैं। तो फोटो को जाके फोटो सर्च करके इम्पोर्टर्स जो आपको प्रोडक्ट बारे में ज़्यादा मालूम पड़ेगा, आपको फोटो कैसा है, प्रोडक्ट का फोटो कैसा है उनको मालूम पड़ेगा। आप फोटो के साथ आपका प्राइस ऐड कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन में बायर्स आपका प्रोडक्ट को मल्टीपल ऐड करके वो आपको खरीद सकते हैं, आपका जो सैंपल प्रोडक्ट भी वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि आपका आप जो भी बनाओगे ई कॉमर्स साइट बनाओगे, तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा, सो ऑनलाइन में वो आपको पेमेंट करेगा थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, फिर आपको पेमेंट आपका बैंक में आ जाएगी, फिर आप इमिडिएटली आप उनको डिस्पैच कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट को। तो ये हमेशा याद रखिए, आपका वेबसाइट चेंज करिए, ये आपका प्रोडक्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, और हमेशा आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज का हेल्प लीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का ठीक से मार्केटिंग हो ऑनलाइन में। फेसबुक है, ट्विटर है, और बहुत सारे साइट है, जैसा कि हो गया लिंक्डइन है, लिंक्डइन एक अच्छा साइट है, लिंक्डइन.com में जाइए, लिंक्डइन.com में आप सर्च करिए, एग्जांपल सीईओ ऑफ इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, सीईओ और चेयरमैन ऑफ एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स, और प्रोडक्ट उसमें आपको क्या मिलेगा कि जो की पर्सन है, की पीपल है, चेयरमैन हो गया, परचेसिंग मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, उन लेवल का आदमी आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन में, फिर आप डायरेक्ट उनको लिख सकते हैं आपका प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ। तो इसीलिए आपको हमेशा डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का हेल्प लीजिए, अगर आपका सिटी में कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, तो वो आपको मदद करेंगे मार्केटिंग के लिए। हमारा कंपनी भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अगर आपको हमारे कंपनीज का मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करेंगे, मार्केट करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को आप वर्ल्ड वाइड मार्केट करना चाहते हो थ्रू यूट्यूब चैनल, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को हम हमारे मल्टीपल यूट्यूब चैनल से और हमारा काफ़ी सारे पोर्टल से, ब्लॉग पोर्टल से, ब्लॉग से, और बहुत सारे काफ़ी सारे वेबसाइट से आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को हम हमेशा एडवर्टाइजिंग करेंगे। हमारा जो प्राइसेस है 5,000 Indian rupees 5,000 से लेकर 3,00,000 तक है, उसका दिखा रहा हूँ मैंने प्राइस, उसका आप देख लीजिए। तो आप अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, तो प्राइस डिटेल्स आप दिखा रहा हूँ, तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को हम वर्ल्ड वाइड या आपका टारगेटेड कंट्रीज में हम एडवर्टाइज करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो, आप हमें सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन हमें आप दिला सके। हमारा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा वीडियो को शेयर करिए आपका फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ, ताकि ये वीडियो किसी का काम आ जाए। तो हमारा ये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, और आगे का वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।